साथ मैं हूं शैलेंद्र। बीजेपी पश्चिमी यूपी में तीन किसान कानून के बाद जो सुनहरे सपने देख रही थी उसे जयंत और अखिलेश की एक मीटिंग ने पूरा धराशायी कर दिया। कैसे कर दिया है ये मैं आपको भी समझाने जा रहा हूं। अगर आपको ये समझना है कि पश्चिमी यूपी कैसे बीजेपी के लिए बड़ा अपशगुन लेकर आने वाला है तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना ही होगा। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कैसे एक मुलाकात ने बीजेपी के लिए महामुश्किल पैदा कर दी है पश्चिमी यूपी में। दरअसल बीजेपी तीन किसान कानूनों के बाद एक साल से चल रही जाट, सैनी, गुर्जर समाज की नाराजगी को दूर करना चाहती थी, लेकिन ये नाराजगी दूर हुई नहीं और इसका फायदा सीधे सीधे जयंत को मिला, क्योंकि जयंत जिस तरह से महापंचायतों में गए थे, जिस तरह से उन्होंने नमक और गंगा जल की शपथ ली थी, उसके बाद आरएलडी जमीन पर मजबूत हुई थी और इसी बिहार पर वो सियासी दलों से लगातार संपर्क में भी थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर सपा से बात नहीं बनी तो कांग्रेस या फिर बीजेपी आरएलडी को अपने पाले में लाकर पश्चिमी यूपी को साध ले। ऐसा कुछ अब होने जाने वाला है नहीं। दरअसल अखिलेश से आज मुलाकात हुई है। पहले 21 नवंबर को आरएलडी और सपा की फाइनल सीट शेयरिंग का ऐलान होना था, लेकिन बात अंदर की ये है कि जयंत चौधरी 33 सीटों की मांग कर रहे थे लेकिन सपा उन्हें 30 सीटें देने के लिए तैयार है और अब अंदर की खबर ये है कि 30 सीटों पर भी बात बन सकती है। समीकरण ये भी था कि जयंत डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे थे, उधर ओम प्रकाश राजभर जो पहले से सपा के साथ हैं वो भी डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम का पेच भी कोई बहुत उलझने वाला है नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार में वैसे ही दो दो डिप्टी सीएम है, तो अगर सपा भी दो दो डिप्टी सीएम रखेगी तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले विपक्षी एकता हो और सत्ता से बीजेपी को बेदखल किया जाए। तो क्या आज की बैठक के बाद वो फार्मूला तय हो गया? जो अंदर से खबर आ रही है, पुख्ता तौर पर खबर आ रही है, वो यही बता रही है कि अखिलेश और जयंत अब साथ ही 22 का चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी 6 मंडल 26 जिले 110 सीटों वाली पश्चिमी यूपी की सियासत में बीजेपी की नैया डूबने वाली है। इसके कई कारण हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद भले ही जो 32% वहां पर मुसलमान थे और 12% यहां पर जाट थे वो अलग हो गए थे, लेकिन इस किसान आंदोलन ने फिर से उन्हें एक साथ कर दिया है और एक साथ होने के बाद उन्हें एक ही पार्टी की ओर झुकाव बढ़ा दिया है, वो पार्टी है आरएलडी। ब्रज क्षेत्र की बात कर ले तो मथुरा, अलीगढ़ और उसके आसपास के जिलों में जयंत चौधरी की मेहनत के बाद रंग सियासत का बदला है और ये बदला हुआ रंग बीजेपी के लिए बड़ी आफत बनने जा रहा है और ये अखिलेश के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि जिस तरह से जयंत पिछले कुछ दिनों से दूरियां बना रहे थे, अपना संकल्प पत्र भी उन्होंने जारी कर दिया था, उसके बाद ये चर्चाएं होने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत किसी दूसरी पार्टी के संपर्क में। वो घटना तो आपको याद ही होगी जब अखिलेश के साथ जयंत को जाना था लेकिन प्रियंका के साथ वो एयरपोर्ट से निकल गए थे, तब ये बात भी होने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत कांग्रेस के साथ जा रहे। लेकिन दोस्तों आज की दिन की सच्चाई ये है, आज की दिन का सार ये है, अंदर की खबर ये है कि जयंत की अब जो है सपा के साथ दोस्ती जम गई है और बीजेपी के लिए 22 में पश्चिमी यूपी इस बार बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।